हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 27 जनवरी 2020। डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक हमारे पास एक तरह रहेंगे मोटिवेशन कोट, वन लाइनर न्यूज़, इस डिटेल करंट न्यूज़ स्पेशल नॉलेज रहेगी जिसके अंदर वही सीडी को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। स्टैटिक जीके में हम केरला स्टेट को डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो आपको पूरा देखना है एंड तक। ओके, मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। तो क्या है, नेवर गिव अप। ये तो सभी जानते हैं कि नेवर गिव अप, हमें हारना नहीं है। पर क्यों ये हमने क्यों कहा कि ये मोटिवेशन आपका, ये मोटिवेशन ऐसे है कि जब हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कोई बात नहीं है, जब हम दो तीन बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हमारी तैयारी भी पूरी होती है, फिर हमारा सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो पाता है तो हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, निरंतर इतना प्रयास करते जाइए, ये आप खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं वन लाइनर न्यूज़ क्या क्या रही हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रही है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है। तो टूरिज्म डे कब मनाया गया है, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी जो मनाया गया है वोटर्स डे, उसके लिए थीम क्या रही है, तो वो रही है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। जो 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है उसके लिए जो थीम है वो रही है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा है जो अपने ऐप पर UPI भुगतान की सुविधा देता है, तो वो है रिलायंस जियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वित्तीय सेवा के अधिकृतता प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। तो रिजर्व बैंक ने वोडाफोन एम पैसा अधिकृतता का प्रमाण पत्र जो है वो रद्द कर दिया है। किस संस्था ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एयरटेल अफ्रीका कंपनी के साथ मिलकर भारत और अफ्रीका में रियल टाइम भुगतान सेवा शुरू की है। तो वेस्टर्न यूनियन ने एयरटेल पेमेंट बैंक और एयरटेल अफ्रीका कंपनी के साथ भारत और अफ्रीका में रियल टाइम भुगतान सेवा शुरू कर दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को देख लेते हैं। वह विदेशी प्रदेश और विश्व व्यापार संगठन के 16 सदस्यों ने वैश्विक व्यापार मंडल में एक बहुपक्षीय अंतरिम अपील व्यवस्था विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो किसने किया, यूरोपीय संघ ने, विश्व व्यापार संगठन के 16 सदस्यों ने वैश्विक व्यापार मंडल में एक बहुपक्षीय अंतरिम अपील व्यवस्था विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वार्षिक भारत परिषद के 17वें संस्करण की मेजबानी 15 से 16 फरवरी को की जाएगी, जिसकी थीम क्या रहेगी, 20x20 फोरसाइट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, भारत परिषद के 17वें संस्करण की मेजबानी किस कब से कब तक की जाएगी, तो वो की जाएगी 15 से 16 फरवरी को। ओके, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, जिसका विषय क्या रहेगा, 20x20 फोरसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अफ्रीकी राष्ट्र कौन सा है जो रसोई गैस की भारत की उज्ज्वला योजना को अपनाने वाला है। अब उज्ज्वला योजना तो आपको पता ही है, LPG से कनेक्ट है, तो अब एक अफ्रीकन कंट्री है जो उज्ज्वला योजना को अपने देश में लागू करना चाहता है, तो वो है घाना। ओके, घाना की कैपिटल होती है अकरा और करेंसी हो जाती है सैडी, और अगर यहाँ के किंग पूछ लिए जाएंगे तो वो होंगे नाना अकुफो, तो आपको ऐसे याद रखना है घाना नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 प्रतिवेदन के अनुसार 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में कितनी वृद्धि होगी। तो जो वैश्विक, जो विश्व के दर पर जितनी बेरोजगारों की वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 2.5 लाख, और वर्तमान में 188 लाख लोग जो हैं बेरोजगार हैं, तो 2.5 लाख डॉलर यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तब आपके लिए ये वृद्धि हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये अपना आउटलुक दिया है 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगी वो नेशनल न्यूज़ रहेगी, किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो हस्ताक्षर किए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता दिवस पर विमोचन की गई दो पुस्तकें उनके क्या नाम है? अब वोटर्स डे पर दो पुस्तकों को लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो उनके नाम क्या क्या हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो विलिफ इन द वेलोट सेकेंड और द सेंटेनियर वोटर्स सेंटिनल्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, तो ये आपके लिए दोनों पुस्तकों के नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी के 150वें वर्ष का जश्न इस विषय के तहत वार्षिक भारत वर्ष 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अब ये जो आयोजन किया जा रहा है वार्षिक भारत पर 2020 का, तो इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी के 150 वर्ष का जश्न। तो ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 6वीं अनुसूची क्षेत्र का दर्जा किस प्रदेश को घोषित करने का प्रस्ताव किया है? तो लद्दाख में, ठीक है, जनजातीय मामलों के जो मिनिस्टर हैं वो हैं अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वो है सरकार कहाँ जानवरों के लिए एक युद्ध स्मारक स्थापित करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई। मेरठ उत्तर प्रदेश में एक युद्ध स्मारक जो है वो स्थापित किया जाएगा जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का अखिल भारतीय सदस्य सम्मेलन 24 से 25 जनवरी को किस शहर में आयोजित किया जाना है? तो वो आयोजित किया जाना है नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं की संख्या कितनी है? तो जीवन रक्षा पदक पुरस्कार दिए गए हैं तो उनके जो जिन्होंने ने प्राप्त किया उनकी संख्या है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा रहा है? तो वो रहा है फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस। ओके, व्यक्ति विशेष से बात देख लेंगे क्या है, भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में सरकार का नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है देवाशीष पांडा जी को। अब स्टेट बैंक की बात हो रही तो इसके जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्नी टू द फॉरबिडन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं दीपा अग्रवाल जी, ठीक है। द जर्नी टू द फॉरबिडन सिटी, द जर्नी टू द फॉरबिडन सिटी, इसकी पुस्तक की लेखक कौन है? दीपा अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर साहित्य महोत्सव या उत्सव 2020 में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो वो बने हैं इश्नेया पॉमनेजा, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं ये, ठीक है। जयपुर साहित्य महोत्सव हुआ है 2020 का, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जो दिया गया उसके प्राप्तकर्ता बने हैं इश्नेया पॉमनेजा। अब ये हैं कौन? ये हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? अब ग्रीस की कैपिटल होती है एथेंस। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, ये प्रथम बार बनी है, ठीक है। तो कैटरीना सकेला रोमपोलो जो बनी है वो ग्रीस की राष्ट्रपति बनी है प्रथम बार, पहली महिला है ये जो राष्ट्रपति बनी है ग्रीस की। ग्रीस एथेंस यूरो वहाँ की कैपिटल, वो सॉरी करेंसी होती है, एथेंस यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो कैटरीना सकेला रोमपोलो। कैटरीना नाम आपको याद रहेगा क्योंकि एक एक्ट्रेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कैटरीना सकेला रोमपोलो जो हैं वो किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है प्रथम बार, या प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश की बनी है? तो ग्रीस की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो राज्य विशेष से रहेगा।
भारत सरकार और विश्व बैंक ने राज्य में कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजनाओं में समर्थन के लिए किस राज्य के लिए 210 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ महाराष्ट्र सरकार के लिए 210 लाख डॉलर के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो विश्व बैंक के जो गवर्नर या चेयरमैन है वो हैं डेविड मालपास जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो राजा भोज विमान पत्तन है और ये भोपाल में अवस्थित है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उनसे संबंधित हम सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई और 25 जनवरी को हुई, और 1952 में हमारे लोकसभा की स्थापना हुई थी, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई, राजधानी शिमला है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। मुख्यालय आपको इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी, 4 सितंबर को तीरंदाजी महासंघ की स्थापना हुई। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में आपको मिल जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका अभियान की स्थापना कब हुई? जून 2011 में इसकी स्थापना हुई। ग्रीन की कैपिटल जो होती है वो होती है एथेंस, और कैपिटल के साथ साथ आपको करेंसी भी याद रखनी है, वो होती है यूरो। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमें अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, आप हमें यूट्यूब के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टिकटॉक और हेलो अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट अगर आप यूज़ करते हैं आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तैयारी विग्नर्स की के नाम से ही हर जगह हमारा अकाउंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके, तो उससे क्या होगा, जो भी क्लासेस होती हैं उनके PDFs हैं वो आपको सुटेबल रूप से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और डेली मोशन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना भी आपको नहीं भूलना है, जिससे जो आप सीख रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स भी सीख जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे डिटेल नॉलेज में, जो न्यूज़ रहेंगी वो देख लेते हैं। नीति आयोग ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जारी कर दिया है। ठीक है, सरकार एक थिंक टैंक नीति आयोग, अब सरकार का एक थिंक टैंक है ये तो सभी पता, नीति आयोग है और ये संविधानेतर निकाय है, मतलब संविधान में इसका वो रोल नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो संविधानेतर निकाय है, और नीति आयोग की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, कल भी हमने बताई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके MD एंड CEO अमिताभ कांत जी हैं, उपाध्यक्ष जो हैं वो राजीव कुमार जी हैं, अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सरकार का एक थिंक टैंक नीति आयोग सभी सरकारी आंकड़ों को एक उपयोगकर्ता अनुकूलन तरीके से सुलभ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। अब नीति आयोग जो है वो नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जारी कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSC ने रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। अब जो DSC है उसने रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है, रक्षा अधिकरण परिषद। ठीक है, DSC ने हाल ही में विभिन्न स्वदेशी स्रोतों से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक से विभिन्न रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। अब जो रक्षा के उपकरण है तो वो तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं रक्षा उपकरण। ठीक है, तो इस रक्षा अधिकरण सौदे का उद्देश्य स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देना है। DSC रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है। तो रक्षा अधिकरण परिषद जो है वो रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है। क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो कितने करोड़ रुपए के लिए रक्षा खरीद पर मंजूरी दी गई है, तो 5,000 करोड़ रुपए के लिए रक्षा के उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई। किसके द्वारा? रक्षा अधिकरण परिषद या DSC के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2020 की रिपोर्ट आ गई है, ये वन लाइन में भी क्वेश्चन फॉर्म हुआ था। तो इन्होंने एक बेरोज़गार जो रहेंगे, हमारे देश में अभी बेरोज़गारी बहुत है,
ठीक है, तो उसके एवज में इन्होंने एक वैश्विक बेरोज़गार की जो एक लिस्ट है उसे जारी कर दिया है। तो उनके हिसाब से 2020 में कितने लोग बेरोज़गार रहेंगे वो इन्होंने बताया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में बर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 जारी किया। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वैश्विक बेरोज़गारी 2020 में 2.5 मिलियन बढ़ जाएगी। ओके, दुनिया के लगभग 188 मिलियन लोग बेरोज़गार हैं। 15 से 24 वर्ष की आयु के कुछ 267 मिलियन युवा बेरोज़गार। एक मिनट, शिक्षा या प्रशिक्षण में संलिप्त ही नहीं है। 267 मिलियन युवा तो ऐसे हैं जो शिक्षा या प्रशिक्षण, मतलब कोई भी वो प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, शिक्षा नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे युवा भी हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना उज्ज्वला जैसी एलपीजी योजना को दोहराएगा। अब जो घाना कंट्री है, अफ्रीकन एक कंट्री है, घाना अक्रा वहाँ की कैपिटल होती है, तो वो एलपीजी योजना को दोहराएगा। भारत की जो उज्ज्वला योजना है उन्हें काफ़ी पसंद आई है, तो उन्होंने सोचा है कि वो अपने देश में भी इसको लागू करें। घाना को भारत की सफलता को लगभग सर्वव्यापी रसोई गैस पहुंच के रूप में दोहराना है और ऐसा करने में अपनी विशेषज्ञता मांगी है। घाना ने घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए संयुक्त स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूलन एलपीजी को बढ़ावा देने के प्रयासों में भारत से सहायता मांगी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। MORD ग्रामीण गरीब संस्थानों को मजबूत करने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 जनवरी 2020 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन VMGF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह ग्रामीण गरीबों के जमीनी स्तर पर संस्थानों को मजबूत बनाने और अपने आपसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। अब बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ ग्रामीण संस्थानों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। क्यों? क्योंकि गरीबों को जमीनी स्तर के संस्थानों को मजबूत बनाने और आपसी उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए। किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये समझौता किया गया है। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे OECD। ठीक है, OECD की स्थापना हुई थी 1948 में OEC के रूप में और 1961 में OECD के रूप में इन्हें पुनर्गठन कर दिया गया था। आधिकारिक भाषा जो है OECD की वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। महासचिव है जोस एंजल गुरियर और उप सचिव भी जो हैं रिंटारो तमाकी और उप सचिव प्रमुख जो दूसरे नंबर पर हैं वो है मेरी केवनियमी। अब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD अंग्रेजी में कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब कि संक्षिप्त में कहेंगे OECD। 35 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है ये, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और वैश्विक व्यापार है उसको प्रोत्साहन करने के लिए की गई थी। अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी और जिनके मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च हैं और विकसित देशों के रूप में जाने जाते हैं। OECD एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक है। OECD के मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक तो आपको OECD की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसे संक्षिप्त में कहते हैं OECD, हिंदी में कहेंगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। OECD की स्थापना हुई 1948 में OEEC के रूप में, ठीक है, और 1961 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया था, तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप टिक कर देंगे। महासचिव है जोस एंजल गुरियर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब हेडक्वार्टर OECD का आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, फ्रांस के पेरिस शहर में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, दंतीवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। गुजरात की कैपिटल आप सभी को पता है गांधीनगर होती है, और गांधीनगर से आपको याद होना चाहिए जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर ही है।
चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रावी नदी पर चमेरा बांध बना हुआ है। चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में भारत का चमेरा बांध बना हुआ है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है टेहरी बांध, और ये कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। 260.5 मीटर का है ये, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो जिंगपिंग एक बांध है ये, चीन का 305 मीटर का ये बांध है। किस ग्रह को वोर का तारा या सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को वोर का तारा, सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को सामान्यतः फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? जो सोडियम बेंजोएट होता है वो प्रिजर्व करने के काम में आता है। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो वो होता है वैरोमीटर। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त में गुप्त वंश की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा, मतलब जो कौन सा यंत्र होता है जो दूध को मापने के काम आता है? तो वो लैक्टोमीटर होता है। तो ये थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की, जिसमें हम केरला स्टेट को डिस्कस कर लेंगे। केरला की राजधानी सभी को पता है तिरुवनंतपुरम होती है। इसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? त्रिवेंद्रम। इसका नाम बदल कर दिया गया तिरुवनंतपुरम। जिले केरला के अंदर 14 मिलेंगे। राजभाषा मलयालम है, और जो गठन हुआ केरला का वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल पी सथाशिवम है और मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन है, जो कि इनकी पार्टी है भाकपा मेल। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं 140 हैं, राज्यसभा की सीटें 9 हैं, और लोकसभा की सीटें जो हैं वो हैं 20। तो डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा और राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा कितनी है? 9, 20 हैं और 22 हैं डिस्ट्रिक्ट, 22, 20, 9। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, नहीं सॉरी 14 हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14, 20, 9, 14, 20, 9, ऐसे करके आपको याद रख लेना है। अब नेशनल पार्क्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आते रहते हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह नीलगाय, इसको कहेंगे हेमीट्रेगस हाइलोक्रिकस, के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। साइलेंट वैली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तो कई बार आया हुआ है। केरल के पश्चिमी छोर पर कुंडलई हिल्स पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। मुख्य रूप से हाथी, बाघ और शेर, पूंछ बानर जैसे जीवों के लिए साथ साथ अन्य दुर्लभ किस्मों की औषधि और पेड़ पौधों के कारण यह जो पार्क है वो प्रसिद्ध है। पेरियार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार नदी भी है। मुल्ला पेरियार डैम जो है पेरियार नदी पर अवस्थित है। केरल के पश्चिमी छोर पर पेरियार नेशनल पार्क स्थित है। यह मुख्य तौर पर बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ओके, वायनाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बाघ और तेंदुओं के लिए वायनाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये बांदीपुर नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। इडुक्की नेशनल पार्क देख लेते। केरल के दक्षिणी भारतीय राज्य में बसा है, यहाँ के सर्वोच्च स्थानों में से एक है इडुक्की नेशनल पार्क, जो वन्य जीवों के लिए मुख्य तौर पर जाना जाता है। यह बाघ, हाथी, भैंस, भालू, जंगली सुअर, सांभर, जंगली कुत्ते, बिल्लियाँ आदि बड़े बड़े जो झुंड है उनमें इस पार्क में घूमते नजर आते हैं। इस पार्क में जंगली फाउल, काली बुलबुल, लाफिंग थ्रस, कट फोड़वा, मैना आदि महत्वपूर्ण पक्षी भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर सांपों की अनेक प्रजातियाँ, विशेष कोबरा, बाइपर, क्रेट आदि कई विषरहित सांप भी पाए जाते हैं। तो ये हम इसमें